दिनचर्या देखी है, उनका राजनीतिक इतिहास और सफर देखा है, उसे आज याद करते हुए याद करती हूँ वो दिन जब पहली बार ताई के नेतृत्व में मैं जब ये मेयर थी औरंगाबाद की, तब इनके घर पर जाकर मेरी भेंट। लगभग 12 साल पुराना एक इनके साथ मेरा इतिहास रहा है। और जब मैंने इन्हें काम करते देखा, तब मैं युवा मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्ष थी, तब भी जूनियर थी, आज भी जूनियर। रेखा से एक त्रुटि हो गई है, रेखा ने मुझे सीनियोरिटी पे पहुंचा दिया है, लेकिन सत्य यह है कि अगर आप संगठन में अनुभव पदाधिकारी के नाते देखें तो इस मंच पे सबसे छोटी मैं। उस वक्त जब ताई से मेरी बातचीत रही, कामकाज रहा, मन में एक प्रश्न उठा कि जो महिला अपने दम पर संगठन के माध्यम से जनता के बीच में विशेष प्रयास करती, जिस महिला के बारे में चर्चा अथवा उसकी छवि ये है, इस बात का संकेत है कि महिला अपने दम पर कार्यक्षमता के आधार पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बन सकती है। ये संदेश हमारे संगठन ने आज दिया है, इसके लिए मैं संगठन के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ पर सच कहूँ तो सिर्फ विजया ताई का अभिनंदन करने आई थी। आज 12 साल बाद अपने सपने को साकार होते देख, प्रातः जब मेरी विजया ताई से भेंट हुई तो हमारे साथ ये बहन जो यहाँ पर साउथ दिल्ली से है, जो यहाँ पर थाल रख रही है, दिए का प्रकाशित कर रही है, रविता जी, इनको एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ताई ने मुझसे कहा कि 4 बजे का समय है, अगर हो सके तो ऑफिस से 10 मिनट का थोड़ा बहुत अंतराल लेके भाग आना। योगिता जी चुपचाप मुस्कुरा रही थी, देख रही थी कि वार्तालाप कर, और अचानक मेरी और ताई की आंखों में आंसू आए।